गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं, अब संडे है, जैसे कि वैसे तो मुझे लास्ट सैटरडे किसी ने मना किया था कि सैटरडे को सर में तेल नहीं डालते, तो मैं वॉश करूँगी आज अपना हेयर, तो मैं ऑयलिंग करूँगी उससे पहले। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब गर्म पानी कर लिया है और इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कैस्टर ऑयल और अच्छे से इन दोनों को मिला लूँगी। ये जैसे कि पानी मेरा गर्म हो गया है, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है और चिप चिप करके ना, जब हम हेयर में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो हमारे बालों में ना बहुत ज़्यादा ये तो बालों को तोड़ता है, क्योंकि बहुत थिक होता है। इसलिए तो मैं यहाँ पे जितना भी होगा, तो मैं यहाँ पे अभी तो जैसे मैंने आपको बताया वाओ कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, इतना सारा मैंने यूज़ कर लिया, ज़्यादा नहीं लगता है ना इसलिए। तो इसमें लिखा भी है, इस बॉटल को अगर आप परचेज करेंगे तो इसमें लिखा भी है पीछे इनमें कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे गर्म हो जाए आपका, तो इसको एक चम्मच से मिला लीजिए पानी में, गुनगुने पानी में मिला के अगर आप हेयर में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट है। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं अपने हेयर्स में। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर लिया, ये कुछ गर्म है अभी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग आप बना लीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। चलिए मैं अप्लाई करती हूँ। इसका ध्यान जरूर रखिएगा कि अच्छे से मिक्स हो जाए, जैसे देखिए ये पानी सा अलग जा रहा है। और अगर आप चाहें तो इसमें कुछ ऑयल और एक्स्ट्रा ऑयल भी मिला सकते हैं, जो भी आपका कोकोनट फेवरेट हो कोकोनट मिला सकते हैं, या जो भी आप ऑयल यूज करते हैं अपने हेयर्स में वो भी मिला सकते हैं। कैस्टर ऑयल का ऐसा कुछ नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल होता है मिलना, मिलता नहीं है, बट कुछ इस तरीके से बन जाता है ये। और पानी फिर भी अलग ही रहता है, बहुत कोशिश देखिए मैंने कर ली है। अगर आपको लगता है पानी एक्स्ट्रा है तो आप निकाल भी सकते हैं, बट मैं नहीं निकालूंगी, ज़्यादा इतना भी नहीं है। और ये कुछ इस तरीके से रहता है, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, और इसको अप्लाई कर लेंगे। और देखिए इतना पानी डालने के बाद भी अप्लाई करने पर ये वो करता है, ठीक है। इससे अच्छा आप अगर चाहें तो थोड़ा सा ना वो भी कर लें, जैसे मैंने बताया अपना ऑयल, कोई सा भी ऑयल इसमें मिला के आप अपने हेयर्स में, और विटामिन ई का कैप्सूल, और अगर आप चाहें तो एलोवेरा जेल, कुछ भी ये सारी चीज़ें मिला के आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलो फटाफट से अप्लाई कर लेती हूँ सबको। Thank you.
रिसाइकलिंग सिचुएशन में आप भी है कि ना कर सकते हैं और ऑनलाइन डोनेशन वेबसाइट पर जाकर अपनी अपनी मर्जी से कुछ डोनेट कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइज, मैंने पूरा घर क्लीन किया है, सब कुछ चेंज किया है। ये जो मेरा ब्लैंकेट इस पे कवर था वो निकाला है, धोया है, सारा घर मैंने सेट किया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। सारे ज्वाले वाले भी निकाल रही हूँ अभी, मैं वो भी दिखाती हूँ आप। मैं जब से अपने मायके से वापस आई हूँ तब से मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं ये सारे रूम के जाले वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँ। सो मैंने आज फाइनली मैंने सोचा चलो आज टाइम है, संडे भी है, क्योंकि फिर वहाँ से आई थी टैनी का एडमिशन और ये सब मैं बिज़ी हो गई थी तो इसलिए। बट अब फाइनली मैंने टाइम मिल गया, मैंने कल आओ कर लेते हैं, संडे है और हेयर भी वॉश करना है, सो इसलिए मैंने कर लिया पूरा रूम ही। पूरा घर तो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आज इतना सा काम करते करते मेरे को बहुत लेट हो गया था, लाइक बहुत। तो अब ये भी जो गमले वमले सूख गए थे तो मैं इनको मिट्टी समेत ही हटा दे रही हूँ, और ये वाला जो गमले में ही आया था मैं इसको भी हटा दे रही हूँ, क्योंकि ना तो ये गमला अच्छा है और मिट्टी भी निकाल के फेंकना कोई फ़ायदा नहीं है, रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, मिट्टी भी जो है ये पूरी ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए मैं इसको भी हटा ही दे रही हूँ। और टैनी को देखो, मैडम को गले में बैग है, रोना शुरू कर दिया, इसका चैन नहीं खुल रहा है। मतलब मैं काम तो करती हूँ घर का, बीच में मुझे इसको भी पूरा पूरा देखना पड़ता है, पूरा का पूरा। सो ये दोनों मैंने फेंक दिया, और तुलसा जी का मुझे कमेंट आया कि पानी में बात हो, तो आज मैं उनको भी कल। सो बहुत दिन बाद मैं आप लोग के साथ अपना स्किन केयर शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये नीम एंड तुलसी का ग्लो टोनर, और टोनर जब आप मेकअप करते हैं तो आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में भी काम करता है, एंड काफी चीजों में आपका ये वर्क करता है, काफी सारी चीजों में। और समर्स में कोल्ड क्रीम से प्लीज दूर रहें, मैं कोल्ड क्रीम कोई भी यूज नहीं करती हूँ बिकॉज फेस ना कौड़ा पड़ जाता है। सो टोनर अप्लाई करने के बाद अच्छे से ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके बाद मैं अपने फेस पे लगाती हूँ सीरम। सो अभी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का ही आर्गन फेशियल ऑयल विद सिल्वर लिप्स वाला, ये फेशियल ऑयल है, ये फेशियल ऑयल है ये, तो मैं इसको एज अ सीरम भी यूज करती हूँ। और मेरे फेस पे आप लोग कुछ दिन से जैसे कि सारे लोग बोल रहे थे कि ट्विंकल तुम काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही हो, तो यही एक कारण है मेन जिससे मैं ग्लो कर रही हूँ। तो ये फेशियल ऑयल है बट मैं इसको एज अ सीरम यूज़ करती हूँ अपने फेस पे एवरीडे, और काफ़ी अमेजिंग सा आप मेरे फेस पे इफेक्ट देख रहे हो। कम से कम मेरे को 2 वीक्स हो गए इसको यूज़ करते करते, मेरे फेस पे आप मेरा फेस देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करती हूँ गुड वाइब्स की शिया बटर लिप बाम, जिस आपके लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, बस ये विंटर में थोड़ा जम जाता है बट काफी अच्छा होता है ये। एंड इसके बाद लास्ट ऑप्शन रहता है मेरा ये एलोवेरा विटामिन ई प्लस एज डिफाइन प्लस मॉइस्चराइजर डे लोशन, ये भी गुड वाइब्स का ही है, गुड वाइब्स प्लस का है ये, बट है गुड वाइब्स का ही। सो ये सारे प्रोडक्ट मैं अपने स्किन केयर में यूज करती हूँ, वो भी डेली में। सो अगर आपको ये परचेज करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सो चेकआउट कर लीजिएगा। ओके तो मैंने यहाँ पे जो है मंदिर को भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि मंदिर वो जब से मैंने बताया ना किसी चीज़ की सफाई ही नहीं हो पा रही थी, तो मंदिर भी दीपक नहीं जल पा रहा था, गंदा था, तो मैंने कहा चलो आज नहाने के हेयर वॉश करने के बाद मैंने सोचा चलो आज इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे इसको भी क्लीन कर दिया, एंड
पूरा मंदिर क्लीन किया अच्छे से, और घी जब मेरे को दीपक जलाने की बारी आई, ये मंदिर का ही मेरा कपड़ा है जिसको मैं इस ड्रॉअर में ही रखती हूँ सिर्फ मंदिर क्लीन करने के लिए। और जब दीपक घी की बारी आई तो घी जो था वो नहीं था उसमें, फिर मैं उसको गर्म करके लाई और मेरी उंगली भी जल गई। ऐसे मैं नीचे से चेक कर रही थी वो पिघला के नहीं और मेरी उंगली जल गई। सो यहाँ पे मैं करूँगी आरती दीपक जलाने के बाद। एंड ये देखिए जैसे ही माचिस जला के नीचे डाला ना मैंने, ये मेरी आदत है। सो गाइस यहाँ पे मैंने आटा लगा के ही रख के गई थी, मैं गई थी बाज़ार थोड़ा सा दूध लेने, जो थोड़ा सा नहीं दूध ही लेने गई थी, एक्चुअली ख़त्म हो गया था। और तो मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ मटर को वॉश, जो मैंने दोपहर में भिगो दी थी मतलब सुबह में ही, तो उसको मैं वॉश कर रही हूँ यहाँ पे, देख रही हूँ कुछ है तो नहीं, वैसे तो नहीं था उसमें। और मैं इसको बॉयल करने के लिए रखूँगी गैस पे कुकर में, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ घुगनी, बंगाली में बोलते हैं मतलब सफ़ेद वाली मटर, उसको बना रही हूँ मैं आज। और थोड़ी ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि है ही कौन मैं और टहनी खाने वाले अभी तो इसलिए। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी मैं साथ के साथ, और इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और मैं भिगोने के टाइम पे भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला था, लगभग एक पिंच डाला था तब और अभी भी उतना ही डाला है। और अभी मैं इसको बॉईल हिला के अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दूँगी। इस तरफ एक गैस पे मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी गैस पे बॉईल करने के लिए रख दूँगी दूध। एंड मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया था इस चीज़ को लेके कि आप ना दूध पे प्लेट मत ढका कीजिए, इसलिए भी आपका एक मलाई नहीं पड़ती है। आपकी ये बात भी ठीक है, बट ये जो थैली वाला दूध है इसमें मलाई पड़ती नहीं है। वैसे मेरे यहाँ भैंस का दूध आता है, और जब कोई लाने वाला नहीं होता तो हम पैकेट वाला ही यूज़ कर लेती हूँ, मैं खुद जाके ले आती हूँ इसलिए। एंड डो वरी, सो इसलिए मैंने प्लेट और जाली मेरे पास है नहीं, जाली मैं लेके ही नहीं आ पाई, मेरे पास है भी नहीं और मैं लेके भी नहीं आ पाई। ले आऊँगी जल्दी से जाली, मुझे पता चल गया कि जाली प्लेट ढकने से मलाई भी नहीं पड़ती है थोड़ा सा, और वो भाप जैसे पानी बन जाता है वो भी होता है ना। तो मैं किचन जो काउंटर है उसको क्लीन कर रही हूँ, उस पर पानी फैल गया था, आटा मैंने लगा ही दिया था। अब मैं यहाँ पे एक गैस पे चढ़ा दूँगी तवा, तीनों गैस मेरी बुक। एंड यहाँ पे हम बना रहे हैं घुगनी, सारा काम मेरा हो चुका था। घुगनी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को गर्म करेंगे अच्छे से, वैसे सभी को आती होगी बट फिर भी मैं अपनी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि आपको पता है। सो गैस को मैंने अच्छे से गर्म किया है, यहाँ पे गैस को गर्म नहीं किया सॉरी, कढ़ाई को अच्छे से गर्म किया, लेकिन उसमें मैंने ऑयल डाला है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने एक पिंच हींग डाला है उसमें। हींग ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी उसमें थोड़ा सा जीरा, और जीरा अच्छे से चटक जाएगा मेरा। उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी थोड़ा सा एक चम्मच धनिया पाउडर, ये मेरे अकॉर्डिंग है मैं कितना चीज़ ले रही हूँ आप उतना लें। फिर हल्दी डाल देंगे, नहीं मैं थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला ऐड कर दूँगी, और मेरी जो सब्ज़ी थोड़ा सा कलर काला सा हो जाता है वो कारण है सब्ज़ी मसाले का, इससे मेरी सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। मसाले को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, एंड मसाला मिक्स होने के बाद मैं इसमें डालूँगी एक घिसा हुआ टमाटर, घिसा ही है मैंने क्योंकि छोटा ही टमाटर था मुझे बाद में पता चला, और रात में मैं कहाँ जाती लेने के लिए, इसलिए थोड़ा छोटा सा ही टमाटर निकला फ्रिज में। और इसमें घिसा हुआ अदरक है थोड़ा सा, अगर आप बड़ा टमाटर हो या आपको ज़्यादा बनानी हो तो मिक्सी में ब्लेंड कर ले, और आपके पास अगर अदरक अदरक का पेस्ट ना हो तो अदरक आप ऐसे मिक्सी में उसी के साथ ब्लेंड कर लें, पर मेरा एक ही था तो मिक्सी में ना करते हुए मैंने उसको घिस लिया था। और अच्छे से मैं इसको मिलाऊँगी जब तक ये है ना अलग अलग ना हो जाए, मतलब घी और ऑयल अलग अलग ना हो जाए, इसको इतना चला के।
एंड इसके इसमें मैं साथ के साथ थोड़ा सा इसके साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च भी ऐड कर दूँगी एंड मिक्स कर दूँगी अच्छे से फटाफट से। और अब इसको चला लेंगे, तब तक चलाएंगे जब तक इसका ये जो तेल से अलग ना हो जाए ये टमाटर है जो। ठीक है, ये देखिए अलग हो गया, तेल अलग है, टमाटर अलग हो गया है हमारा। तो मैं यहाँ पे अभी ऐड कर दूँगी इसमें घुगनी यानी कि मटर जो अच्छे से बॉईल हो गया आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर दूँगी मैं एंड इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से मैं निकाल ले रही हूँ, बच जाती है ना फिर उसको क्यों फेंकना, शर्म किस चीज़ के, हाथ से ही निकाल ले रही हूँ मैं। और अच्छे से मिला दूँगी एंड इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी, कुछ चीज़ें मतलब पहले मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक जो हमने बॉईल करते टाइम कम रखा था, और वो कम इसलिए रखा था ताकि हम पीछे से डाल सकें। एंड अगर आपके पास लेमन हो ना तो बनने के बाद आप लेमन भी ऐड कर सकते हो, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ मेरे पास लेमन नहीं था। तो नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है मैंने, गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर ली हूँ साथ के साथ, और अब इसको अच्छे से मिला दूँगी। एंड मिलाने के बाद इसमें हम अपने अकॉर्डिंग, अगर मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए तो मैं इसमें पानी नहीं दूँगी, लेकिन मुझे चाहिए तो मैं थोड़ा सा पानी दे के इसको 4-5 मिनट के लिए, 4 मिनट मैक्सिमम, 3-4 मिनट के लिए इसको ढक करके स्लो गैस पे एकदम पे छोड़ दूँगी पकने के लिए, जब तक ये पक नहीं जाएगी। ठीक है, और फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस हमारी घुगनी जो अच्छे से रेडी हो गई, गैस को मैं बंद कर दूँगी, मेरी रेडी हो गई पूरी अच्छे से बन के, मिक्स हो चुका है, पानी का कचान भी निकल गई, सब कुछ हो गया। अब इस टाइम पे अगर आप गैस बंद कर देंगे एंड अगर आप चाहें तो गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया एंड थोड़ा सा यहाँ पे लेमन भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो ये बन गया। ओके गाइस, तो सुबह से मैं आप लोगों से बात करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, एक्चुअली मैं बिजी थी पूरा दिन, 4 बजे मैं फ्री हुई हूँ पूरा हर काम से, A to Z काम से, क्योंकि मैंने दोनों रूमों की अच्छे से क्लीनिंग की थी, जाले वाले साफ करना, साफ सफाई, इधर का शीशा, इधर का फ्रिज, ये वो, इधर फ्रिज शीशा, बस अभी हॉल और थोड़ा सा किचन रह गया है, तो ये भी मैं नेक्स्ट संडे तक फ्राई करूंगी, नहीं तो पहले नहाई थी। पूरा बाथरूम तो मैंने कल क्लीन कर दिया था, बट जो पॉट वगैरह था फ्लैश वो साफ की थी, हेयर वॉश करना, टैनिंग को देखना, प्लस मंदिर भी फिर नहाने के बाद आ जाना, मैंने शाम को जब आरती की तब क्लीन किया, सारा काम किया। अभी कुछ कुछ काम बचे हैं, अभी मुझे प्लांट्स भी मैंने वहां से जो मेरे खराब हो गए थे वो हटाए हैं, नए प्लांट्स भी लेके आने हैं, अभी तो नहीं, देखती हूँ कब लाऊंगी। एंड मेरी ये अभी मैंने बुकिंग बनाई है, सो मैं खाना खाने जा रही हूँ और नागिन स्टार्ट होने वाला है, सो किसी की नहीं सुनूंगी, नागिन के बाद बिग बॉस देख के सो जाऊंगी। सो तब तक के लिए बात, अगली वीडियो के लिए बाय, तब तक के लिए टेक केयर। एंड निधि का सरनेम क्या था बोल गई, निधि का 14 को बर्थडे है, सो विश यू हैप्पी बर्थडे इन एडवांस डियर, आज 12 है ये 13 को जाएगा एंड आपको 14 को विश, मतलब 13 को विश कर दिया मैंने, सो विश यू हैप्पी बर्थडे एंड मेक श्योर भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू एंड ऐसे मेरे ब्लॉग देखते रहिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए एंड आप लोगों का सपोर्ट है तो